आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल चिपके चिपके में आने वाली मशहूर और खूबसूरत अदाकारा आयशा खान की। आयशा खान इस वक्त कहाँ है और क्या कर रही हैं? क्या वो ड्रामा सीरियल चिपके चिपके की शूटिंग में मसरूफ हैं? और क्या ड्रामा सीरियल चिपके चिपके का सीजन 2 इस रमजान नशर किया जाएगा या फिर अगले रमजान में? चिपके चिपके में मीनू का बेहतरीन किरदार निभाने वाली अदाकारा आयशा खान के बारे में कुछ ऐसे राज जो आप नहीं जानते, मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ड्रामा सीरियल चिपके चिपके में मीनू का किरदार निभाने वाली अदाकारा आयशा खान का असल नाम किंजा खान है। शोबिज इंडस्ट्री में आने से पहले इनका नाम किंजा खान था, लेकिन शोबिज की दुनिया में कदम रखते ही इनकी पहचान आयशा खान से हो गई। ये पाकिस्तान की खूबसूरत सी अदाकारा और मॉडल है। इनकी 15 जनवरी 1991 में कराची में हुई थी और इस वक्त ये कराची में अपनी फैमिली के साथ रिहायश पजीर है और इस वक्त ये 31 बरस की हो चुकी हैं। इनकी हाइट 1.7 है। इन्होंने 2014 में दानिश तैमूर से शादी की थी और अल्लाह पाक ने आयशा खान और दानिश तैमूर को दो बच्चों की नेमत से भी नवाजा है, जिनके नाम हुरैन तैमूर और रियान तैमूर है। आयशा खान की खूबसूरत और क्यूट सी फैमिली की खूबसूरत सी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। अगर इनके बहन भाई की बात की जाए तो इनके 3 बहन भाई हैं। बहन का नाम हिब्बा खान है, जबकि भाइयों के नाम अरहम खान और वासिफ खान है। आयशा खान ने मैट्रिक और इंटर कराची के ही किसी लोकल स्कूल और कॉलेज से किया। उसके बाद न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स कराची से ही ग्रेजुएशन किया। आयशा खान उस वक्त 16 वर्ष की थी जब इन्होंने अपने शोबिज करियर का आगाज किया था और बहुत ही कम अरसे में इन्होंने अपने टैलेंट से काफी शोहरत हासिल की और पूरी दुनिया को और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को भी अपने टैलेंट से मुतासिर कर दिया और इस वक्त वो पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की टॉप की अदाकारों में शुमार रखती हैं और हर ड्रामे में लीडिंग रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं और अपनी अदाकारी से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में फैंस रखती हैं। इनकी अदाकारी के दीवाने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी मौजूद है। आयशा खान अभी स्कूल में ही पढ़ती थी जब सोशल मीडिया के जरिए इनका राब्ता दानिश तैमूर से हुआ। दानिश तैमूर उस वक्त एक मॉडल थे और इंडस्ट्री में अपनी ठाट बनाने की एक कोशिश कर रहे थे। दानिश ने जब आयशा को सोशल मीडिया पर देखा तो इन्हें काफी ज्यादा पसंद आई, तो उन्होंने डायरेक्टली शादी का प्रपोजल आयशा खान को दे दिया और वहीं से इनके रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। और रिसेंटली ही आयशा खान और दानिश तैमूर के एक इंटरव्यू में ये कहना था कि इनकी एक दफा फैमिली इश्यूज की वजह से मंगनी टूट गई थी और बड़ी मुश्किल से 6 साल के लंबे अफेयर के बाद जाकर इनकी शादी 8 अगस्त 2014 को हुई थी। दानिश और आयशा की अपने क्यूट से दो बच्चों के साथ खूबसूरत सी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। दानिश तैमूर आयशा खान से उम्र में तकरीबन 8 साल बड़े भी हैं। आयशा खान एक खूबसूरत अदाकारा और मॉडल होने के साथ साथ एक समझदार और घरेलू खातून भी हैं, जो कि अपने करियर के साथ साथ अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से डील करती हैं और दानिश तैमूर को हर जगह सपोर्ट करती हैं। आयशा खान ने अपने करियर का आगाज 2009 में ड्रामा सीरियल तुम जो मिले से किया था और 2009 से लेकर अब तक आयशा खान बेशुमार ड्रामा सीरियल्स में काम कर चुकी हैं और इनके चंद एक सुपरहिट ड्रामा सीरियल्स के नाम मेरे पास तुम हो, थोड़ा सा हक, यारियां, मोहब्बत तुमसे नफरत है और दीगर ड्रामा सीरियल्स के साथ साथ 2021 में ड्रामा सीरियल चुपके चुपके में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। आयशा खान के मीनू के किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया गया और लोगों की डिमांड थी कि ड्रामा सीरियल चुपके चुपके का सीजन 2 भी जरूर आना चाहिए। तो आपको बताते चलें कि इस बात की तस्दीक ड्रामा के प्रोड्यूसर और अदाकारा आयशा खान ने भी कर दी थी कि चुपके चुपके का सीजन 2 जरूर आएगा। और इनके सीजन 2 की शूटिंग से आने वाली कुछ BTS वीडियो क्लिप्स मैंने आपके साथ भी शेयर किए हैं इस वीडियो में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आप लोगों को आयशा खान कैसी लगती हैं और कौन कौन आयशा खान के ड्रामा सीरियल चुपके चुपके के सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसके साथ साथ बात करते चले आयशा खान की मूवीज की, तो आयशा खान अब तक 4 मूवीज में काम कर चुकी है जिनके नाम काला, एक्टर इन लॉ, मैं कोको और वो और विस्पा गर्ल है। आप लोगों ने आयशा खान की इन 4 मूवीज में से कौन सी मूवी देखी है और कौन सी आपकी फेवरेट है कमेंट में बताएं। और ड्रामा सीरियल चिपके चिपके के सीजन 2 के बारे में मजीद अपडेट्स जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।